नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। यह मामला वाकई अजीब है क्योंकि इंडिपेंडेंट कैबिनेट कैंडिडेट विनय चक्रवर्ती के सिक्कों में सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में भुगतान करने का विचार अनोखा है। यह भी सच है कि कलेक्टर कार्यालय में ऑनलाइन या डिजिटल मोड के जरिए भुगतान करने की सुविधा नहीं थी, लेकिन इसका उपयोग सिक्कों में करना भी अत्यधिक असामान्य है। इस घटना से यह साफ होता है कि सरकार को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए और अधिक उपाय करने की आवश्यकता है ताकि लोग आसानी से और सुरक्षित तरीके से अपने ट्रांजैक्शन को पूरा कर सके। विनय चक्रवर्ती जैसे उम्मीदवारों को भी संवैधानिक सहायता और सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि उन्हें अपने कार्य को आसानी से पूरा करने में कोई परेशानी न हो। चुनाव के चारों चरणों में मतदान होने के लिए तैयारी का आदान प्रदान भी चालू है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव की तारीख का अनाउंसमेंट हो चुका है। चुनाव प्रक्रिया में उपेक्षा के चलते इसमें सुधार की आवश्यकता है ताकि विश्वास को और भी मजबूत किया जा सके। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।